हेलो फ्रेंड्स, द गनू किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का बहुत ही शानदार नाश्ता जो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको दिखा दूँ, ये एकदम परफेक्ट बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम पालक। मैंने इसे साफ कर लिया है और मैं इसे धो के कट कर लूँगी बारीक बारीक। पालक को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। पालक आप जब भी ले छोड़ो। पालक को मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया, आप भी बारीक बारीक कट करें और पालक जितना हो सके छोटा छोटा लें। आजकल तो सर्दियां तो पालक बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया। इसमें डाल दूंगी मैं अब एक बड़ा टमाटर जो मैंने ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया, और डाल दूंगी एक प्याज, इसे भी मैंने ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया। अब डाल दूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन जो मैंने बारीक कूट लिए, आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। गरम मसाला डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच। अजवाइन डाल दूंगी 1/4, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अजवाइन से और डाइजेस्ट भी करेगी। जीरा भी 1/4, आप चाहो तो भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और डाल दूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल दूंगी 3 हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक कट कर ली। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सुबह आप ये नाश्ता फटाफट बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है। ये पालक है और आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने मसाले मिक्स कर लिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। बेसन हम एक साथ में डालेंगे, मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितना हमें जरूरत होगी। इसमें आप अभी पानी ना डालें बिल्कुल भी, पहले बेसन को मिक्स करेंगे उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। अभी थोड़ा और ऐड कर देंगे, सारे नहीं डालेंगे, थोड़ा रोक लेंगे। बस इतना बेसन डालना कि अच्छे से बाइंड हो जाए, ज्यादा नहीं डालना। अब मैं ये वाला बेसन भी इसमें डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर। अब मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बेसन लिया, आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया। धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। बस हमें इसे गाढ़ा घोल सा बनाना है, बिल्कुल पतला सा भी नहीं करना और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब ठीक ठीक सा डो बनाना। इस तरीके से मिलाते हुए डो बनाना। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूंगी, मुझे अभी गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। इस तरीके से हमारा इसमें पूरा आधा कप पानी लग। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं नमक। सभी चीजों को यहाँ पे डाल के फिर आप नमक ऐड करें ताकि पता भी चल जाए कितना नमक डालना है। स्वाद के अनुसार डाल दिया मैंने। अब इसे हम ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए। मिक्स को चेक कर लेते हैं। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए मिक्स, बहुत ज्यादा पतला नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब मैंने नॉनस्टिक तवा लिया और इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छे से फैला देंगे। और इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच भर के ये वाला मिक्स और इसे अच्छे से हम फैला देंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे। आप यहाँ पे छोटे छोटे ही बना सकते हैं और थोड़े बड़े ही बना सकते हैं। इस तरीके से इसे हम फैला देंगे। गैस को आप यहाँ पे लो मीडियम रखें और अब एक छोटी चम्मच लेंगे और इसे हम सब तरह से इकसार कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक हम नीचे से सेक लेंगे अच्छे से। अब इसके किनारों पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब इसमें पैन छोड़ दिए तो इसे अब हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया, बहुत ही परफेक्ट दिखा। और अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके साइडों में डाल देंगे, इसे हम पलट देंगे और एक बार पलट के फिर से सेक लेंगे। वाह, यहाँ से भी कितना अच्छा कलर आया। फ्रेंड्स, आप इसे सुबह सुबह फटाफट बना सकते हैं, पराठे से भी जल्दी बनेंगे ये और सबको बहुत पसंद आएंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बिल्कुल बढ़िया बना है। सेकंड वाले बना लें और तेल को ऐसे फैला लेंगे और 1 चम्मच भर के इसे ऐड करेंगे और इसे हम फैला लेंगे। मैं सेकंड वाले को भी पलट लूंगी। ये देखो, आप देख सकते हैं ये हिल रहा है, पैन छोड़ दिए इसमें, तो इसको भी हम पलट लेंगे। और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से क्या प्रॉपर कलर आया। अब इसके साइडों में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जैसे पहले बनाया था सेम प्रोसेस से सेकंड में बना लिया
अरे यहाँ से भी अच्छा सिग्गी आप देख सकते हैं, उसे भी मैं निकाल लूंगी और बाकी सभी भी मैं इस तरीके से बना लूंगी। फ्रेंड्स मैंने सभी बना लिए हैं और मैंने सर्व करा है केचप के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ। आप भी इसे जरूर ट्राई करें, बड़ों के साथ साथ ही बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और इस बहाने ये पालक भी खा लेंगे और सर्दियों में बहुत ही अच्छा पालक आता है। तो मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।